अगली खबर इंदौर से आ रही है, जहां चद्दर व्यापारी के साथ हुई 10 लाख की लूट को एक सप्ताह हो गया, लेकिन पुलिस के पास बदमाशों के फुटेज के अलावा कुछ नहीं है। फुटेज भी कम नहीं, 30 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के। इस मामले में कई थानों के पुलिस जवानों को लगाने के साथ क्राइम ब्रांच भी सक्रिय है। कमिश्नर खुद 2 बार थाने जाकर अफसरों से बात कर चुके हैं, 30,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। इसके अलावा लोहा व्यापारी एसोसिएशन और व्यापारी के परिवार ने भी 1.25 लाख रुपए के इनाम देने की बात कही है। पुलिस की टीमों ने जेल से छूटी हुई गैंग के साथ व्यापारी की कुंडली भी खंगाल ली, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मड़िक बाग निवासी शाह नवाज खान के साथ हुई लूट के मामले में अफसर उसके यहां काम कर चुके पूर्व कर्मचारियों पर शंका जताई है। इसमें कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं, पुलिस ने उनकी डिटेल भी निकाली है। इसके बाद जेल से छूटने वाले बदमाश और आसपास की सक्रिय गैंग की जानकारी जुटाई, लेकिन पुलिस एक सप्ताह बीतने के बाद भी खाली हाथ है। इस मामले में कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र के छोटी ग्वाल टोली थाने पर आने के बाद पुलिस और भी एक्टिव हो गई है। शाहनवाज खान को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, अब उनके स्वास्थ्य में सुधार है। अस्पताल छुट्टी के बाद वह घर पर ही हैं। उस दिन की घटना को याद कर वह खौफ ज्यादा हो जाते हैं। उनके मुताबिक अगर वह रुपयों से भरा बैग नहीं छोड़ते तो बदमाश उनकी हत्या कर सकते थे। जहां चद्दर व्यापारी से लूट हुई, वहां के कैमरों के अलावा पूरे रास्ते में करीब 30 ऐसे कैमरे हैं जिसमें बदमाश भागते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले कैमरों में करीब 30 सेकंड से ज्यादा समय तक व्यापारी बदमाशों से अकेले लड़ता दिखाई दे रहा है। एक दंपति और बच्ची ने भी बदमाशों के आगे गाड़ी लगा दी, लेकिन बदमाश बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस को किसी भी कैमरे में बदमाशों के चेहरे स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। एडिशनल डीसी राजेश रघुवंशी के साथ इस वारदात को सुलझाने के लिए कई टीमें बनाई गई थी, जिसमें डीसीपी खुद भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। कमिश्नर से भी इस मामले में चर्चा की गई थी। पुलिस को अलग अलग जगह के सीसीटीवी फुटेज भी मिले थे, जिसमें चाकूबाजी और लूट के साथ आरोपी भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कमिश्नर के मुताबिक जल्द ही पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश हो जाएगा।